तो चलिए दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक और धमाकेदार कंपैरिजन। तो फेस्टिव सीजन में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेल होती है वो मोबाइल फ़ोन की है। यहाँ पर दो बड़े फ़ोन हमने कैटराइज करें। एक तरफ मैंने रखा है X70 Pro जो कि 47,000 की कीमत में आपको यहाँ पर मिल रहा है, और वहीं हम इसका कंपेरिजन करने वाले हैं OnePlus के 9R से। ये इसका ऑफिशियल प्राइस जो है 40,000 के करीब है, लेकिन अभी फेस्टिव सीजन में जो सेल आपको देखने को मिल जाएगी उसमें 2,000 का आपको ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। तो इस बजट में सबसे ज़्यादा बेस्ट फ़ोन आपके लिए कौन सा होने वाला, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले, तो ये जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। दोनों बॉक्स में से मोबाइल को हमने साइड में कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज मिलने वाली। वीवो के फोन के बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है 44 वोल्ट का एक एडाप्टर जो कि काफी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के लिए आपको दिया गया है। और वहीं अगर बात करें OnePlus 9R की, तो यहां पर आपको वार्प चार्ज मिलता है 65 वोल्ट के साथ, जो कि काफी ज्यादा फास्ट चार्जिंग आपको यहां पर आपके फोन को करके देने वाला। केबल की बात करें दोनों में आपको सिमिलर सी केबल मिलती है, लेकिन एक तरफ आपको रेड कलर का केबल मिलने वाला है टाइप सी पोर्ट के साथ, और वीवो के फोन में आपको टाइप सी पोर्ट के साथ केबल देखने को मिल जाए। फोन ओनली वन आपको सिर्फ वीवो के बॉक्स में देखने को मिलने वाले हैं। OnePlus में ये चीज आपको अलग से लेनी। फोन के बैक केस में काफी अच्छी क्वालिटी के आपको देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पे आपको हाईलाइट किया गया नेवर सेटल जो कि OnePlus का क्वार्ट है। काफी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको दोनों में सिलिकॉन के बैक केस नजर आ जाए। OnePlus में मिलते हैं ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर रेड केबल कार्ड का आपको कार्ड भी मिल जाता है। वहीं अगर बात करें वीवो के फोन के, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन कुछ हल्के फुल्के मिलते हैं, और आपको सिम इजेक्टर टूल भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पर डिवाइस को लेकर, कि यहाँ पर किस तरीके की चीजें आपको जो है अंदर की फंक्शनलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। पहले अगर डिजाइन की अगर बात करें यहाँ पर X70 Pro की, तो काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड और काफी अच्छी प्रीमियम से डिजाइन आपको रियर साइड पर देखने को मिल जाती है। एक नया यहाँ पर जो है टेक्सचर आपको प्रोवाइड किया गया है, मैट फिनिश आपको रियर साइड पर देखने को मिलेगी। एक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है, इससे स्क्रेच के चांस थोड़े ज्यादा बनने के चांस आपके बैक के लेंस पर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी ओवरऑल काफी अच्छी स्मूथ फिनिश और कलर जो है काफी एक एडवांस सा यहाँ पर आपको जो टेक्सचर है वो यहाँ पर वीवो के X70 Pro में देखने को मिल जाता है। बात करें OnePlus 9R की, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप काफी एक स्मूथ सा फिनिश यहाँ पर भी रियर साइड पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर डस्ट वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ स्मूथ सा मैट फिनिश आपको नजर आ जाएगा, जिससे स्क्रेच के चांस काफी कम बनते हैं आपके। उसी के साथ अगर कैमरा बम की बात करें, तो ये भी काफी छोटा सा है, मतलब इतना ज्यादा उठा हुआ नहीं है, तो स्क्रेच के चांस थोड़े कम बनेंगे। बिकॉज यहाँ पर लेंस आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन साइड पे, तो यहाँ पर आपके जो इसके ऊपर जो चांसेस बनते हैं स्क्रेचेस वगैरह वो थोड़े कम बनने वाले हैं, और एलईडी फ्लैश की क्वालिटी जो है वो आपको दो मिलने वाली है। तो ओवरऑल रियर साइड से ये फोन भी आपको काफी अट्रैक्टिव सा लुक जो है यहाँ पर देने वाला है। वहीं अगर बात करें दोनों के फोन के पोर्ट्स और बटन की, तो यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हैं वीवो के फोन में यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट है, माइक्रोफोन है, एंड आपको सिम ट्रे भी नीचे की साइड पर देखने को मिल जाता है। 3.5 mm जगह रिमूव कर दिया गया है। सिमिलर OnePlus में भी आपको सिमिलर चीज स्पीकर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, माइक्रोफोन एंड सिम ट्रे नजर आने वाली है। 3.5 mm जगह यहाँ से भी रिमूव कर दिया गया है। फोन के राइट साइड की अगर बात करें, तो वीवो के फोन में आपको वॉल्यूम ब्रोकर और पावर की एक ही तरफ देखने को मिलती है, लेकिन OnePlus में आपको पावर की तो नजर आ जाएगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपकी प्रोफाइल चेंज करने के लिए लाइक वाइब्रेट मोड पे जाना है, यहाँ पर साइलेंट से, या फिर आपको नॉर्मल प्रोफाइल पर स्विच करना है, सीधे इस बटन की हेल्प से आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से पूरा क्लीन आपका वीवो X70 Pro यहाँ पर दिया गया है, लेकिन OnePlus में आपको वॉल्यूम ब्रोकर देखने को मिल जाएगा। तरफ की बात करें, तो नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन दोनों तरफ दिए गए, लेकिन आपको एक हाईलाइट चीज की है वीवो के X70 Pro में प्रोफेशनल फोटोग्राफी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर फोन जो है कैमरे पर बेस्ड यहाँ पर बनाया। ओवरऑल डिजाइन पर सारी कंपनी काफी ज्यादा फोकस करके अपने फोन को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करती है। मेन बात करेंगे अंदर के यहाँ पर सारी चीजों के लेकर, तो यहाँ पर बात करते हैं X70 Pro को, तो यहाँ पर इसके अंदर आपको काफी एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो है डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर 6.56 inches का आपको फुल HD प्लस E5 AMOLED रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है वीवो की तरफ से। उसी के साथ साथ आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जो काफी ज्यादा स्मूथ है और काफी फास्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन को यहाँ पर सपोर्ट करता है। वहीं बेजल्स एंड चेन के साइज देख सकते हैं काफी ज्यादा छोटी है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस एडवांस सीच सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी सी है, और सबसे मेन चीज अगर हाईलाइट की बात करें इसकी, तो आपको काफी अच्छा सा कर्व डिस्प्ले यहाँ पर फोन का देखने को मिलता है, जिससे आपके डिस्प्ले और भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर आपका फील कराने वाला है। OnePlus 9R की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको 6.5 inches का फुल HD प्लस फ्लूड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये जो OnePlus है इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अपने स्क्रीन को बनाता है। वहीं अगर बात करें, तो यहाँ पर आप बेजल्स काफी छोटे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलता, प्लेन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। सेंटर पंच होल एक लेफ्ट कॉर्नर पर आपको दिया गया है। रिफ्रेश रेट की अगर बात करें 9R के, तो यहाँ पर भी आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी स्मूथ और काफी फास्ट यहाँ पर आपको जो है परफॉर्मेंस देता है डिस्प्ले की। तो ये काफी ओवरऑल काफी बढ़िया चीज आपको यहाँ पर ऐड की गई है फोन के अंदर। HDR 10 प्लस का यहाँ पर भी सपोर्ट है, जिससे कलर वगैरह जो है आपके काफी यहाँ पर पंची और काफी अट्रैक्टिव से आपको देखने को मिल जाए। सबसे ज्यादा जो हाईलाइट किए जाते हैं फीचर्स, वो है आपका कैमरा क्वालिटी। तो कैमरे के मामले में वीवो X70 Pro बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है।
आपको यहाँ पर मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा सेंसिक गिम्बल कैमरा जो कि वीवो के एक्स सीरीज की स्पेशलिटी है, और उसी के साथ यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट शॉट के लिए लेंस भी देखने को मिल जाएगा। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी यहाँ पर ऐड किया गया है जिसकी क्वालिटी जो रेंज है 116 डिग्री तक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा भी जो आपको 60x तक जूम की फैसिलिटी यहाँ पर देता है। आप यहाँ पर 60 गुना जो है जूम करके अपनी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। वहीं अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर सोनी का IMX766V सेंसर यूज़ किया गया है 50 मेगापिक्सल वाला। वहीं अगर बात करें OnePlus 9R की तो यहाँ पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है, 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का एक मोनो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर कैमरा जो क्वालिटी OnePlus 9R की भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट सेल्फी कैमरे में आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी अच्छी जो X70 Pro में नजर आती है, बिकॉज यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा सेल्फी के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ OnePlus 9R की तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का ही आपको जो है फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर इसकी यहाँ पर मोड्स की वगैरह की कुछ बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इंटरफेस दोनों का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपके सामने नजर आता है। उसी के साथ अगर बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग मोड की तो आप OnePlus 9R में 4K से साथ साथ 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इसके यार X70 Pro की तो यहाँ पर 4K के साथ जो है 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो क्वालिटी आपकी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और भी डिफरेंट मोड्स हैं यहाँ पर दिए गए, आप गिम्बल वाला सेंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप वीडियो अगर बनाते हैं तो लाइक आपका कैमरा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है सेंस करता है, कैप्चर करता है। तो वो एडवांस फीचर की टेक्नोलॉजी जो है वो X70 Pro में आपको देखने को मिलने वाली है। फोन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अगर इस प्राइस पॉइंट पर फोन खरीदते तो आप चाहते हैं सारी चीज़ आपको एडवांस लेवल की मिले। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को अगर बात करें तो X70 Pro के अंदर आपको जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 पर आपका फोन बेस्ड है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 यहां पर दिया गया है जो कि आपको 30,000 के प्राइस पॉइंट पर काफी डिफरेंट फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। ये चीज थोड़ी आपको डिसअपॉइंट करती है यहां पर, लेकिन आपको यहां पर फ्रंट टच ओएस 12 का सपोर्ट जो है इनबिल्ट फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर OnePlus 9R की अगर बात करें हम तो एंड्रॉइड 11 पर यह फोन आपका बेस्ड है, लेकिन स्नैपड्रैगन जो है 870 मिलता है आपको। ये काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन इसकी प्राइस भी काफी कम है X70 Pro से। तो यहां पर परफॉर्मेंस के मामले में ओवरऑल 9R जो काफी ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस आपको दे देगा। उसी के साथ अगर बात करें इसके यहाँ पर स्टोरेज वेरिएंट को लेकर तो यहाँ पर एक तरफ तो आपको 8GB 128GB इसमें आपको 8GB 128GB सपोर्ट मिलता है। एक काफ़ी एडवांस चीज़ है आपके वीवो के फोन्स में हमें नज़र आ रही है, वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है जिससे आप अपने रैम को भी यहाँ पर जो है एक्सपांड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आप 4GB तक अपनी रैम को थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं। उसी के साथ अगर बात करें इसके यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें आपको जो फ्रंट टच ओएस मिलता है, लेकिन आपको जो OnePlus के 9R फोन है इसमें आपको मिलता है ऑक्सीजन ओएस पर बेस्ड। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको ओवरऑल गेमिंग के मामले में OnePlus काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग आपको देने वाला है। ओवरऑल परफॉर्मेंस तो प्राइस पॉइंट को लेकर OnePlus की स्टार्टिंग से शानदार रही है, और इस प्राइस पॉइंट पर भी OnePlus 9R में आपको परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाए। बेसिकली फोन के डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा बनाया, और फोन जो है लाइट वेट भी है, लेकिन आपकी बैटरी लाइफ की अगर बात करें दोनों ही फोन को लेकर तो आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले। और इसी के साथ अगर वीवो के X70 Pro की अगर बात करें तो आपको 4450mAh का बैटरी मिलता है, 44W का चार्जिंग सपोर्ट जो है नज़र आने वाला है इसमें। OnePlus 9R में ये चीज़ थोड़ी एडवांस है, 4500mAh की बैटरी आपको मिलती है, 45mAh की बैटरी तो 9R में मिल ही रही है, लेकिन आपको जो पावर एडाप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट सपोर्ट के साथ मिलता है। 65W का एक वाप चार्जर मिलता है जो कि वीवो के X70 Pro से और भी एडवांस लेवल तक ज़्यादा फास्ट तरीके से आपको फोन चार्ज करके देने वाला है। ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेस्ट है। अगर प्राइस पॉइंट की अगर बात करें दोनों ही फोन को लेकर, ये फोन आपको 8GB 128GB जो है 46,990 अराउंड 47,000 की कीमत में देखने को मिलने वाला है। OnePlus 9R की अगर बात करें तो ये फोन आपको 8GB 128GB जो है 39,999 मतलब 40,000 के अप्रॉक्स मिलता है, लेकिन अभी आप सेल वगैरह में भी फोन को देखेंगे 2,000 का और कैश आपको डाउन मिल जाएगा, लगभग 37,000 का फोन पड़ने वाला है। तो अगर बात करें ज़्यादा ही दूसरी चीज लेवल की, अगर एडवांस फोटोग्राफी आप करना चाहते हैं तो मेन इस चीज फोन की तरफ आप जाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर जो है फोन में कैमरा क्वालिटी को लेकर ऐड किए गए। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर बनाया है, कर्व डिस्प्ले मिलता है आपको, नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन अगर गेमिंग वगैरह का शौकीन है आप और आपको थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चार्जर सपोर्ट वगैरह चाहिए तो आप OnePlus 9 की और के आर की ओर से बढ़ सकते हैं, बस प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप है। तो फिर आपको क्या राय है कमेंट मेंशन जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन का अपडेट आपसे मिस ना हो।